हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और चटपटेदार आलू की सब्ज़ी। तो स्टार्ट करते हैं उसे बनाना। तो हमने आलू को पहले से ही बॉईल करके छील के ले लिया है और खड़े आलू का ही बनाएंगे, यानी साबुत आलू का हम सब्ज़ी बनाएंगे। तो कुछ मसाले हम आपको दिखा देते हैं। हमने लिया है पोस्तादाना, काजू, सौंफ, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और लौंग है, जीरा है और साबुत धनिया है। तो धनिया, जीरा और खसखस को मैंने एक एक चम्मच लिया है। तो इधर चलते हैं, गैस को ऑन करके पैन मैंने रख दिया है, उसमें डाल लेते हैं एक चम्मच तेल। एक चम्मच लगभग तेल हम डाल लेते हैं पैन में और उसे गर्म कर लेते हैं। अब डाल लेते हैं उसमें प्याज और लहसुन। थोड़ा सा प्याज और लहसुन भी हमें चाहिए इसमें डालने के लिए, तो उसे हम डाल देते हैं। और इसे हल्का रोस्ट करना है, मैंने भूनना है इसे। और जब हल्का भुन जाए तब हम इसमें और मसाले डालेंगे, जो हमने लिए हैं मसाले, खड़े मसाले, उसे हम डाल के उसे भी हम भूनेंगे इसके साथ। गैस के फ्लेम को अभी लो रखते हैं। और अब डाल लेते हैं एक टमाटर, इसमें बारीक काट के डाल देते हैं। और अब खड़े मसालों को हम डाल देते हैं इसमें भूनने के लिए। इन सभी को एक साथ हम भून लेंगे, चलाते हुए हमें भूनना है, गैस के फ्लेम को लो रख के ही हमें भूनना है इसे। तो एक मिनट लगभग हम इसे भून लेंगे, बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। इसे बराबर चलाते हुए हमें भून लेना है। और ये भून चुका है तो गैस को हम ऑफ कर देते हैं अभी, और इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद ही हमें इसे पीसना है। तो अब इसे ठंडा हो चुका है तो इसे पीस लेते हैं। थोड़ा सा पानी भी डाल लेंगे इसमें मसालों के साथ, कि अच्छी तरह से बारीक पीस जाए। ढक्कन लगा के इसे हम पीस लेते हैं, बारीक पेस्ट बनाना है। तो हमने पीस लिया है मसालों को। अब इसे क्या करते हैं, कटोरी में ले लेंगे और मसालों को कटोरी में निकाल लेते हैं। बाकी जार में लगे हुए को पानी डालकर हम अच्छी तरह से साफ करके उसे भी हम ले लेंगे कटोरी में ही। और अब चलते हैं इसे बनाने के लिए सब्जी को। तो गैस ऑन कर लिया है मैंने, उस पर कढ़ाई रख देते हैं जिसमें हमें बनाना है। पैन या कढ़ाई जिसमें बनाइए उसको रखिए, और उसमें डाल लीजिए लगभग 2 चम्मच तेल, 2 से 3 चम्मच तेल डालिए। और उसे गर्म होने देते हैं। गर्म होने के बाद उसमें हम डाल लेते हैं साबुत आलू को, जो हमने बॉईल करके छील के लिया है। तो उसे हम थोड़ा तल लेंगे, तल के हमें इसे लाल करना है। तो जब अच्छी तरह से लाल हो जाए आलू तो हम उसे निकाल लेंगे। और गैस के फ्लेम को अभी लो रखते हैं। तो आलू, सारे आलू को हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और आलू की सब्ज़ी बनाने के, छोटे आलू की, मतलब छोटा आलू चाहिए सब्ज़ी बनाने के लिए, वो अच्छा रहता है। और अब उसी में, उस तेल में ही हम डाल लेते हैं 1 चम्मच जीरा, थोड़ा सा हींग और 2 तेज़पत्ता, साथ ही 2 हरी मिर्च हम डाल देते हैं साबुत, 2 सूखा मिर्च लाल, और थोड़ा सा अदरक बारीक कटा हुआ उसे भी हम डालेंगे। और इन्हें हल्का सा भूनेंगे, और जब हल्का भुन जाए तब हम इसमें डाल लेते हैं प्याज, चौकोर साइज का प्याज हमने काटा है, और शिमला मिर्च है उसे भी हम डालेंगे। बड़े पीसेस बनाकर हमें डालना है इसे, प्याज और शिमला मिर्च को। और इसे हल्का सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है इसे।
और अब डाल लेते हैं इसमें हल्दी पाउडर, लगभग आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालिए। और अब डाल लेते हैं कश्मीरी लाल मिर्च एक चम्मच, साथ ही स्वाद अनुसार नमक इसमें डालेंगे और इसे चला के भूनते हैं। और अब डाल लेते हैं जो हमने पेस्ट तैयार किया है मसालों का, उसे हम डाल लेंगे, डाल देते हैं इसमें। और जो कटोरी में लगा है उसे थोड़े सा पानी डाल के हम उसे भी ले लेंगे कढ़ाई में। तो उसे ले लेते हैं और गैस की फ्लेम को अभी लो रखते हैं और लो फ्लेम पे ही हमें मसालों को अच्छी तरह से भूनना है। इसे बराबर चला लेते हैं और इसे ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। लो फ्लेम पे ही हमें मसालों को भूनना है और इसे ढक देते हैं। 2 मिनट बाद चेक कर लेते हैं और इसे चला देते हैं ताकि मसाले हमारे जले नहीं, तो बीच में चलाना है। अभी मसाले अच्छी तरह से नहीं भुने हैं, थोड़ा सा और हमें इन्हें भूनना है। तो चलाने के बाद हम इसे फिर से ढकेंगे 2 मिनट के लिए। दो मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं और उसमें डाल देते हैं तीखा लाल मिर्च उसे चला देते हैं बराबर मिला देते हैं मसालों में अच्छी तरह से मिल जाए। और इसे ढक देते हैं फिर से। तो लगभग 2 मिनट के बाद हम फिर से चेक कर रहे हैं और अच्छी तरह से मसाले भुन चुके हैं, तेल भी ऊपर आ चुका है आप देख सकते हैं। और इसे चलाते हैं, चला लेते हैं, मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं। तो उसमें फ्राई किया हुआ आलू हम डाल देते हैं और बराबर चलाकर इसे मिक्स कर लेते हैं मसालों में। थोड़ा सा पानी डालेंगे, गाढ़ी ग्रेवी अच्छी लगती है आलू, साबुत आलू का जो हम सब्जी बनाते हैं उसमें गाढ़ी मसाले चाहिए, बहुत पतला मसाला नहीं अच्छा लगता है। तो थोड़ा ही पानी हम डाले हैं और इसे ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। दो मिनट के बाद चेक कर लेते हैं तो सब्जी पक रही है। तो इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा कसूरी मेथी, इससे टेस्ट और भी अच्छा आता है हमारी आलू की सब्जी में। और इसे चला के फिर से हम इसे ढक देते हैं। तो 2 मिनट के बाद हम फिर से चेक कर लेते हैं और सब्जी में अच्छी उबाल आ रही है, सब्जी अच्छी तरह से पक चुका है। इसे हम चला देते हैं एक बार और हमारी ये सब्जी बन के तैयार है। इसे सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में, गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे हम सर्व कर लेते हैं सर्विंग बाउल में। फ्रेंड्स, आप भी एक बार ज़रूर इसे ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी चटपटी और मस्त सब्जी बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही जायकेदार। एक बार आप इसे ज़रूर ज़रूर बनाइए और इसे सर्व करिए रोटी चावल या पूड़ी के साथ। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रेसिपी और डिश के साथ। उससे पहले लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।